नहीं, कोविड के चलते ही आपको मालूम है पूरे महाराष्ट्र नहीं तो देश भर में कोविड का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की जो कोई कमतरता हो गई थी उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने जो फटाफट कदम उठाने चाहिए, जो काम करने चाहिए वो करने की कोशिश की, और उस माध्यम से कभी भी पेशेंट को ऑक्सीजन कम गिरना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी शासकीय हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, उनमें बड़े बड़े टैंक बिठा के ऑक्सीजन का स्टॉक वहाँ पर करने की कोशिश शुरू की है। सेंट्रल हॉस्पिटल में 6000 लीटर का जो ऑक्सीजन टैंक बिठाया गया है उसके आज हमने देखभाल की, देखते हुए वहाँ पर ऐसा नज़र आया कि 6000 लीटर ऑक्सीजन एट ए टाइम वहाँ पर स्टॉक रहेगा और लोगों को कभी भी ऑक्सीजन की कमतरता होगी नहीं, ऐसा काम सेंट्रल हॉस्पिटल ने किया है। इससे आम जनता को या जो कोविड के जो मरीज आ रहे हैं उनको क्या डायरेक्ट फायदा होगा? नहीं, कोविड के मरीज को ज़्यादातर ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जो एट ए टाइम उनको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो ऑक्सीजन मिलने के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल ने जो प्रयास किया है वो अच्छी तरह से किया हुआ है। अभी आपको मालूम होगा सेंट्रल हॉस्पिटल में कोविड के बाद में भी बहुत सारे गाँव से, शहरों से, करजत, अंबरनाथ से लेके या टिटवाला से लेके पेशेंट आते हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से सेंट्रल हॉस्पिटल का काम अच्छी तरह से करने के लिए, लोगों को अच्छी सुविधा मिलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रयास किया है। महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री एकनाथजी शिंदे साहब के माध्यम से सेंट्रल हॉस्पिटल का विकास करने का प्रयास शुरू है। ऑक्सीजन टैंक लगाने के बाद कोरोना मरीजों की जो जान जा रही है उसमें कुछ कमी आएगी? जरूर। जो भी मरीज आता है जो कोरोना पॉजिटिव है उनको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन मिलने के बाद उसको अच्छी तरह से राहत मिलेगी, उसकी जान बचेगी, ऐसा उम्मीद है।